हेलो, मेरा नाम डॉक्टर दीपक केळकर है। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन और व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। हमारा हॉस्पिटल है, एक हॉस्पिटल है जिसमें हम मेंटल पेशेंट को रिश्तेदारों के साथ में रखते हैं और उनका इलाज करते हैं। दूसरा जो हॉस्पिटल है वहाँ मेंटल पेशेंट्स और नशाखोर पेशेंट जो है उनको बिना रिश्तेदार भर्ती करते हैं और उनका इलाज करते हैं। आज मैं आपको आपके साथ में बात करने वाला हूँ वो है हाउ टू कंट्रोल अवर थॉट्स। हमारे थॉट को कैसा कंट्रोल करेंगे। काफ़ी लोग मुझे पूछते हैं कि हमारे माइंड को कंट्रोल कैसा करेंगे, हमारे माइंड की मास्टरी कैसे करेंगे, हमारे जो थॉट्स कंटिन्यूस आते हैं उसको कैसा कंट्रोल करेंगे, कि बहुत डिस्टर्ब करते हैं थॉट्स, लोग बोलते हैं। हमारे दिमाग में 50,000 से 60,000 थॉट्स रोज आते रहते हैं। वो एक ब्रेन पैटर्न हमारा बन चुका है, वो ब्रेन तैयार करता है ऑटोमेटिक थॉट्स, और वो थॉट्स आते रहते हैं। और वो थॉट्स हमको पूरे जो है वो करीब करीब अतीत के बारे में ही आते रहते, भूतकाल के बारे में आते रहते, और नहीं तो फिर भविष्य के बारे में आते, भविष्यकाल के बारे में आते, फ्यूचर के बारे में आते रहते। और वो थॉट्स आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। ज़्यादातर थॉट्स जो है वो निगेटिव थॉट्स हैं, नकारात्मक विचार आते हैं और वो लोगों को बहुत डिस्टर्ब करते रहते हैं, नकारात्मक विचार। और नकारात्मक विचार से लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनके काम में डिस्टर्बेंस हो जाता है, उनको लगता है कि मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। और कुछ कुछ तो इतने नकारात्मक विचार आते हैं कि वो उसमें उलझे रहते हैं, वो कुछ काम भी नहीं कर सकते लोग। और उनका फिर वो थॉट का ऑब्सेशन में कन्वर्शन होता है, ऑब्सेसिव थॉट्स हो जाते हैं वो, कि उनका कंट्रोल ही नहीं। यदि हम ये थॉट्स को, ये थॉट आ रहे हैं दिमाग में, विचार जो आ रहे हैं, तो ये विचारों को यदि हम कंट्रोल कर सके तो कितना अच्छा होगा। और उसके लिए लोग पूछते हैं कि कंट्रोल कैसा करूं, तो विचारों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तक अतीत में जितना भी एक्सपीरियंस हुआ है वहां से वो आपके दिमाग में थॉट्स आए। तो जिसका जैसा भेजे का पैटर्न बन चुका है, ब्रेन पैटर्न, वैसे उसको थॉट्स आते रहते हैं। अब इसमें ये थॉट को स्थित प्रज्ञ होकर या साक्षी भाव से हमको देखते आना चाहिए, और वो प्रैक्टिस करना जरूरी है कि वो थॉट्स आ रहे और वो थॉट्स जा रहे, वो थॉट्स आ रहे और वो थॉट्स जा रहे, वो थॉट जो है उसके तरफ मैं एक ऑब्जर्वर करके देख सकता हूँ क्या। यदि मैंने वो प्रैक्टिस किया कि मैं एक ऑब्जर्वर करके वो थॉट्स आ रहे और जा रहे उसको मैं देख रहा हूँ, वो मैंने ना पैदा किए ना मैंने ख़त्म किए, मैं यदि वो साक्षी भाव से वो थॉट को देख रहा हूँ। क्योंकि लोग है ना, नकारात्मक विचार जो आते हैं, नकारात्मक थॉट जो है उससे दुखी हो जाते हैं, काफ़ी उनको दुख लगता है, या वो विचारों के ऊपर वो कृति करते हैं तो उसके उससे भी उनको बहुत दुखी होता है। तो यदि हम वो प्रैक्टिस कर सके, सीख सके कि थॉट्स आना और थॉट जाना ये ऑटोमेटिक प्रक्रिया है, तो मैं ना दुखी हो जाऊँगा ना सुखी होऊंगा, मैं विचारों को विचार करके देख सकूँगा। और विचारों को विचार करके मैंने देख लिया कि वो आ रहे और जा रहे, मैं एक चित्त प्रज्ञ हूँ, एक साक्षी भाव से मैं उसको देख रहा हूँ, वो थॉट्स को, विचारों को, और वो आ रहे और जा रहे, ऐसा मैंने उसके तरफ देखा और उसको वैसा मैंने अनुभव किया, उसका एक्सपीरियंस किया, तो मैं ना उससे दुखी होऊंगा ना सुखी होऊंगा। यदि मेरे थॉट से मुझे ना सुखी होना है या दुखी होना है, तो फिर अभी इस वक्त मैं क्या कर सकता हूँ, मैं खुशी क्रिएट कर सकता हूँ। लोगों को ऐसा लगता है कि मेरी खुशी जो है वो मेरे थॉट्स के ऊपर है, या मेरे वातावरण में जो हो रहा है उसके ऊपर खुशी है, तो ऐसा नहीं है। वातावरण से हमको खुशी मिलती भी है, वो कुछ क्षण के लिए मिलती है, बाद में हम फिर दुखी हो जाते हैं, नकारात्मक थॉट्स आते हैं। तो मेरी खुशी ना वातावरण के ऊपर निर्भर है, ना मेरा दुख वातावरण के ऊपर निर्भर है, वो थॉट्स आते रहते हैं, उनको आने दो। उसको साक्षी भाव से देखना, उसको एज एन ऑब्जर्वर देखना, स्थित प्रज्ञ होकर देखना, और वो आ रहे और जा रहे वो देखते जाना, यदि हम कर सके तो फिर हम खुशी के थॉट्स क्रिएट कर सकते हैं, और हर वक्त पल पल में हम खुश रह सकते हैं। काफ़ी लोगों को ये प्रॉब्लम, और मेरे पास में काफ़ी लोग ज़्यादा जब थॉट हो जाए तो पेशेंट बन के आते हैं, बोलते इतने विचार आते हैं कि हम काम भी नहीं कर सकते। तो उनको वो कुछ लोग अभी, मतलब इतना लोगों में एजुकेशन हुआ, साक्षरता हो गई कि लोग आते हैं और कंसल्टेशन करते हैं, मगर बहुत सारे लोग ऐसे कि जो डॉक्टर के पास में आते भी नहीं है, कंसल्टेशन नहीं करते और सफ़र होते रहते, तकलीफ उनको होती रहती है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करो, शेयर करो और काफ़ी उसको सर्कुलेट करो, ताकि वो लोगों तक वो पहुंच जाएगा
जिनको डॉक्टर के पास में आने के लिए एक डर लगता है या स्टिग्मा लगता है, तो वो भी ये जो मैंने बताया वो अमल में लाएंगे और उनके जीवन में वो खुशियाँ ला सकेंगे। तो आपके व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, फेसबुक के ग्रुप के ऊपर जरूर शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।